हेलो एवरीबॉडी, राइट नाउ वी आर इन परेड ग्राउंड। और परेड ग्राउंड में क्या खासियत देहरादून की, और वो है आज है दशहरे का मेला। और जैसे कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था, पहले दिखा देता हूँ, फिर अनुमान की बात करते हैं। ये जो बने हैं यहाँ पे सारे पुतले, स्टैचूज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की, इसको शायद आज शाम को जलाया जाएगा। अब शायद क्यों मैं आज वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी हो चुकी है बारिश स्टार्ट, और बारिश में जैसे हम पहले से ही बोल रहे थे, शायद इस बार रावण जल के नहीं डूब के मरने वाला है। तो ऐसे ही कुछ नज़ारा यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई, सारी भीड़ एक झटके में हो गई तितर बितर। ओ तो आज का रावण देखते हैं जलेगा पक्का, लेट्स सी। देखिए फ्रेंड्स, झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है। कहा जाता है देहरादून के मौसम का कोई यकीन नहीं कर सकता, सो दैट सारे छुप गए सारे स्टॉल्स के अंदर, इधर उधर कुछ को बचाते हुए, क्योंकि बहुत तेज यहाँ पर लग चुकी है बारिश। तो हम भी उठते हैं भाई साइड। हेलीकॉप्टर भी लगातार इस क्षेत्र का मुआयना लेते हुए, हवाई सर्वे करते हुए। देखिए किस तरीके से अभी यहाँ पे बहुत ही सुंदर तीन मूर्तियाँ, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, जब ये स्टार्टिंग में बन ही रही थी उस टाइम पे मैंने बताया था इसका बनते हुए। फ्रेंड्स अभी भी लगातार बारिश बनी हुई है, और बारिश फिर से वापस तेज हो गई है, और काफ़ी लोग छाते वाते का सहारा लेके खड़े हैं अभी भी, और इंतज़ार कर रहे हैं कि काश रावण को अच्छे से जलता हुआ देखें। लेकिन भाई इस तरीके से अगर रहेंगे तो शाम तक शायद पूरा भीग जाएगा। हाँ जी नमस्ते, वेट कर रहे हैं आप लोग शाम तक का? अभी वेट हो रहा है, लेकिन देखते हैं इस बार का रावण डूब के मरने वाला है या फिर जल के मरने वाला है। यार जहाँ एक तरफ झमाझम बारिश हो रही है अभी, वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खिलखिलाती धूप एक साइड से। तो भाई मौसम का ना कुछ यकीन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, किस तरीके का मौसम आज देहरादून का है। और देखेंगे यहाँ पे सारी चेयर्स वेयर सब गीली हो चुकी हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई इनमें वापस बैठ भी पाएगा। तो ये सारे लोग इंतज़ार करते हुए, कहीं ना कहीं ये होता है ना एक उम्मीद एक आस बनाए हुए कि चलो अभी बादल छटेंगे और नज़ारा देखने को मिलेगा। सो पिछले ब्लॉग को अगर देखना चाहें आप, किस तरीके से इन कलाकारों की कलाकृति है और इन कलाकारों ने इस चीज़ को बनाया है, जो भी यहाँ पे स्टैचूज जो भी ये मूर्तियाँ या पुतले जिनको हम बोलते हैं वो लगाए गए हैं, सो उसके लिए पिछला वाला ब्लॉग ज़रूर देखें। देखो किस तरीके से ना तमाम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि स्पेशल वीआईपी पास लेके भी बैठे हैं, ताकि भाई नज़दीक से देखने का मौका मिले। अब लेट्स सी कितना मेहरबान इस पे मौसम होता है, देखा जाएगा बाद में, और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो है रावण दहन होता है परेड ग्राउंड उत्तराखंड में देहरादून से। अभी थोड़ी सी हल्की सी धूप खिल गई है देहरादून में, और वापस लोगों में एक खुशी का माहौल देखने को मिलता है, सो दैट कि वो अभी देख पाएंगे शायद रावण को जलते हुए। और देखते हैं लेट्स सी, अगर बाद में आने का रहा तो आने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपको रावण दहन भी दिखाया जाए देहरादून। मैं तो इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ रावण को उसकी किस्मत के भरोसे कि आप देखी जाएगी। मैं निकल रहा हूँ घर, ओके, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। तो फ्रेंड्स आखिर वो समय आ गया है जिसका आप सभी को था इंतज़ार। अलग अलग वीडियो क्लिप्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे पुतलों का दहन हुआ है देहरादून में, बारिश के बाद भी अच्छे से जले हैं खूब। तो एक बार फिर से जोर से श्यावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।